आज बड़े दिनों से देखा जा रहा है कि युवाओं को जो इस देश की शान है और जान है, हमारे विधानसभा में उन्हें कोई पूछता नहीं था, कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उनको कोई बुला नहीं रहा है। तो हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे भाइयों ने हमसे कहा कि कुछ आप आगे बढ़िए और कुछ ऐसा करिए कि जिससे युवा एक प्लेटफॉर्म पर आ सके। बस हमने एक कोशिश की, कोशिश करने के बाद उसका नज़ारा आज आपने देख लिया। इसी तरीके से चांदौली तालुका का हर एक युवा राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का नाम रोशन करेगा और आते महानगर पालिका में हम अपनी सीटें चुनकर लाएंगे और मेहनत से, लगन से काम करेंगे। सारे फ्रंटल सेल को हम लेकर काम करेंगे। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के जरिए जो दिवाली मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छी शुरुआत हुई है चांदौली में। हर कार्यकर्ताओं का एक गेट टुगेदर हुआ, लोगों ने अपनी मन की बात रखी और एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ईद मिलन लोग अपने परिवार के साथ मनाते हैं। तो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये बताया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ये एक परिवार का हिस्सा है। मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ यूथ के अध्यक्ष को कि जो काम बेसिक के लोगों को करना चाहिए वो यूथ आगे आकर कर रही है। बहुत ही सराहनीय स्टेप है और जितने भी वरिष्ठ नेता, जितने भी लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया, आए, टाइम दिया, मुझे सभी का अभिनंदन। मेरे को बहुत ही आज अच्छा लग रहा है कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ से माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब की तरफ से जो आज हमारे तालुका के तालुका अध्यक्ष युवा के इश्तियाक भाई, इन्होंने जो आज प्रोग्राम किया, जो डॉक्टर साहब के संकल्पना से निकल गए, उन्होंने जो दिखाया कि ये मार्ग से चलो, उन्होंने आज तुरंत 4 ही दिन में प्रोग्राम का आयोजन किया। हमारे मुश्ताक भाई वकील साहब